A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So as you already know from the previous few classes, we were continuously revise the chapters, basically the numerical questions. So in today's class again, we are going to study. First of all, we will study about the theory of the national income, how we calculate the national income, and after that we will solve some numerical questions. So let's get started. चले next है आपका national income. तो national income क्या होता है? It is the market value or the money value of the final goods and services which are produced in an economy during a financial year, during an accounting year. ठीक है, तो इसके जो भी इनकम है, हमारी इकोनॉमी में जो इनकम है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है. कि इनकम क्या है, वो कंटिन्यूअसली क्या है, वो सर्कुलेट होती रहती है इन दी फेज ऑफ प्रोडक्शन में. प्रोडक्शन में क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं. फिर देन नेक्स्ट है आपका इनकम फेज में, जहाँ पे इनकम जनरेशन हो रही है. एंड द लास्ट वन इज एक्सपेंडिचर फेज में. तो जो भी हमारी इनकम है वो क्या है, एक सर्कुलर फॉर्म में कंटिन्यूअसली सर्कुलेट और मूव करती रहती है. ठीक है, तो अब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं. कि अगर हमको अपनी कंट्री के नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है कि किसी भी कंट्री का नेशनल इनकम कितना हो रहा है, हम अगर इंडिया की बात करते हैं, तो उसके 3 मेथड हैं. ठीक है, सबसे पहला मेथड है आपका वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं. और इसी को हम लोग प्रोडक्शन फेज भी कहते हैं, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं. नेक्स्ट है आपका इनकम मेथड. इनकम मेथड में क्या होता है, इनकम जनरेशन हो रहा है जो किसी भी इकोनॉमी में वो. एंड द लास्ट वन इज एक्सपेंडिचर मेथड, कि कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट का, हाउस होल्ड का इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है. तो कोई भी इकोनॉमी का क्या है कि हम लोग बेसिकली इसमें क्या करते हैं, 3 मेथड को यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम. अब हम स्टार्ट किसके साथ करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड के साथ. अब देखिए, अब इसमें हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, जीवीओएमपी, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस. तो हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला है आपका सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. कि कोई भी इकोनॉमी में कितना सेल हुआ है और प्लस चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक. ठीक है, सो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक के थ्रू हम क्या करते हैं, चेंज इन स्टॉक कैलकुलेट करते हैं. कभी कभी क्वेश्चन में आपका डायरेक्टली सेल्स नहीं दिया होता है, डायरेक्टली सेल नहीं दिया होता है, उस कंडीशन में कभी आपको या तो प्राइस, आपको प्राइस दिया रहेगा और आउटपुट दिया रहेगा. प्राइस मतलब कोई भी कमोडिटी की प्राइस कितनी हो गई और आउटपुट कितना हो गया. अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको सेल पता चल जाएगा कि कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ और कितना उसकी प्राइस थी. तो क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, तो हम लोग सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्राइस इंटू आउटपुट. और इसमें क्या होता है कि कभी कभी आपके पास क्या है कि क्वेश्चंस में दिया रहता है डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट. तब देखिए, एक्सपोर्ट किसी भी कंट्री के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल कंडीशन होती है, प्रॉफिट की कंडीशन होती है. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट को प्लस कर देते हैं, डोमेस्टिक सेल को भी प्लस करते हैं, प्लस चेंज इन स्टॉक, जो स्टॉक में चेंज हो रहा है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, प्लस गुड प्रोड्यूस फॉर दी सेल्फ कंजप्शन. अगर कभी क्वेश्चन में दिया होगा कि जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है फॉर दी सेल्फ कंजप्शन, ठीक है, उसको भी हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं. नेक्स्ट आपका स्टेप आता है जीवीएएमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. अब हमको यहां तक पता चल गया जीवीओएमपी, हम यहां से निकाल दिए, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन. इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है मतलब कि आप जब भी इंटरमीडिएट गुड्स, कि कोई भी कॉमोडिटी क्या है, हम लोग को फर्दर प्रोडक्शन, जो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल गुड्स, कि जो भी कॉमोडिटी है जिसको हम लोग फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट कंजप्शन. ठीक है, क्वेश्चन में आपके पास अगर इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया है और रॉ मटेरियल दिया है, तो आप लोग क्या लोगे, इंटरमीडिएट कंजप्शन लोगे, क्योंकि उसमें सारी चीजें
इंक्लूडेड है, जैसे परचेज ऑफ दी रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल क्या है, इंटरमीडिएट कंजप्शन है। अब जैसे मेरे को ये घर बनाना है तो इसमें रॉ मटेरियल क्या हो गया, ब्रिक्स जो हो गया, ईटा लगाया, जो सीमेंट लगाया, ये सब क्या है, रॉ मटेरियल, सॉरी ये सब इंटरमीडिएट कंजप्शन है, तो इसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। और क्वेश्चन में अगर दिया रहता है तो जीवीओ एमपी माइनस डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट को हम क्या करते हैं, हम लोग अगर परचेज दिया है प्लस इंपोर्ट तो प्लस करके फिर हम लोग टोटल में से माइनस कर लेते हैं। जब अगर हम लोग कुछ सेल करेंगे, कोई भी प्रोड्यूसर सेल करेगा तो उसको क्या होगा, उस कंडीशन पे उसको प्रॉफिट होगा, बट अगर वो परचेज करेगा तो उसका पैसा जाएगा। तो जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन पे हम लोग डोमेस्टिक परचेज को माइनस करते हैं और इम्पोर्ट भी माइनस करते हैं, बट ये दोनों को हम साथ में प्लस करके होल में से जीवीओ एमपी जो कैलकुलेट करेंगे उसमें से माइनस कर लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास आ गया जीवीए एमपी, इसके बाद आपको सबको पता है जीवीए एमपी को हम लोग और क्या बोलते हैं, जीडीपी एमपी, सॉरी जीडीपी एमपी। अब हम हमें क्या करना है इसको, और एनवीए, एनवीए एट फैक्टर कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम, और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि क्या है ये, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो इसको क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम और इसको नेशनल इनकम। अब इस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में हम NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करते हैं, सो देन इट इज कन्वर्टेड इनटू NNP एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सिंपली अब हमको इसको कन्वर्ट करना है, जीवीएमपी हमको पता चल गया, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये हमारा जीवीएमपी और इसको जीडीपीएमपी भी करते हैं, अब हमको NVA एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, देन जीवीए एट फैक्टर एमपी दिया है हमें, हम क्या करेंगे, नेट निकालना है तो उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, फिर क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है ना, तो अब इसमें से एनआईटी भी क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, ठीक है। तब आपका क्या आ जाएगा, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी, सो दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल इनकम भी बोलते हैं, मैंने अभी बताया एनवीए फैक्टर कॉस्ट को हम लोग नेशनल इनकम भी बोलते हैं। और जब हमें क्या है कि, और जब हमें क्या करना है, नेशनल इनकम हमारे पास एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया है तो हम उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो हम लोग को नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है कि जो भी आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम कि जो भी फैक्टर इनकम जनरेट हो रही है, जो भी हम रिसीव कर रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ का कोई बाहर काम कर रहा है, ठीक है, या हम कहीं बाहर काम कर रहे हैं, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, जो फैक्टर इनकम हम लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू जो इनकम हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर इनकम हमको क्या मिल रही है, क्या हो गया आपका रेंट हो गया, आपका वेजेस हो गया, ये सारा इंटरेस्ट हो गया, ये सारा आपको क्या है, ये आपको एक फैक्टर इनकम जनरेट हो रही है। तो हम NFIA जब हमारे पास होता है, NFIA को हम कैसे कहते हैं, करते हैं फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, जो हमने रिसीव किया वहां से और जो हम वहां पे कर रहे हैं, कोई हमारा जो कोई काम कर रहा है बाहर का तो हमको उसको पेमेंट करना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा, और जो हमारे यहाँ वहां काम कर रहा है उसको वो लोग कर रहे हैं, तो वहां से इनकम रिसीव हो रही है, और जो हम इनकम पेड कर रहे हैं उसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या था, वैल्यू एडेड मेथड। चलिए नेक्स्ट है आपका इनकम मेथड, ठीक है। अब इनकम मेथड में कहां से इनकम जनरेशन हो रही है, तो जो भी फैक्टर पेमेंट हम कर रहे हैं तो उसको क्या है, तीन में डिवाइड किया गया है, जिसमें होता है आपका पहला कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सेकेंड होता है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस एंड देन मिक्स्ड इनकम। अब क्या होता है, कभी कभी आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या है,
डायरेक्टली दिया रहेगा, बट समटाइम्स ऐसा होगा कि आपको वो डायरेक्टली ना देके क्या हो, उसको स्प्लिटेड फॉर्म में होगा, मतलब उसके जो सब पार्ट है वो दिया होगा। क्या क्या हो सकता है, कभी वेजेस इन कैश भी हो सकता है या वेजेस इन काइंड भी हो सकता है, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, कि कुछ ना देके बस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम दे दे, मतलब कि आप इसको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज माने। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि बेसिकली आप लोग के क्वेश्चन ये भी होता है कि हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन में आपका डायरेक्टली दिया होगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एज वेल एज ये भी दिया होगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। आप क्या करोगे, आपको इसमें से अगर ये डायरेक्टली दिया है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो आप डायरेक्टली उसको ले लो, इसके स्प्लिटेड फॉर्म में इसके सब पार्ट्स पे ध्यान नहीं दोगे। फिर ये ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस में डिवाइड होता है ये रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। रेंट आपको पता है कि रेंट क्या होता है, जो भी लैंड पे मिलता है, रॉयल्टी होता है कोई भी अगर किसी भी चीजों का क्या है कि किसी ने क्या किया है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, उस पर क्या होता है लोगों को रॉयल्टी मिलती है, मतलब अगर ये मेरी बुक है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड हम ही क्या है इसके ओनर है। अगर किसी और को इस पर क्या करना है, इसको ये बुक और पब्लिश करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो पेमेंट करना पड़ेगा मुझे उसी को क्या बोलते हैं रॉयल्टी। इंटरेस्ट आपको पता ही, और प्लस प्रॉफिट, ठीक है, इन चारों को मिला के हम ऑपरेटिंग सरप्लस निकालते हैं। क्वेश्चन में अगर रेंट दिया है, इंटरेस्ट दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो जो दिया है इन चारों में से उसको आप ले लोगे। अगर ये भी दिया है और सीधे ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो आप इसमें से क्या लोगे, ऑपरेटिंग सरप्लस ही लोगे, ठीक है। और प्रॉफिट के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, डिविडेंड हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया जो भी टैक्स पेमेंट होता है, और जो कॉर्पोरेट सेविंग्स होता है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट के भी सब पार्ट्स हो गए। कभी कभी प्रॉफिट ना देके आपको इसमें से कोई भी पार्ट दे देगा तो आप इसमें क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस निकल जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम होता है इनकम ऑफ योर ओन अकाउंट वर्कर, ठीक है, जो अपने अकाउंट वर्कर है कि जो अपने ही रिसोर्सेस को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, मतलब मेरी लैंड है मैं उसी पे ही क्या कर रही हूँ, प्रोडक्शन कर रही हूँ। तो उस कंडीशन पे क्या है कि कोई भी अकाउंट प्रिपेयर नहीं होता है कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ, इनकम हुआ, तो ये सारे क्या है, जिस जो अपना अकाउंट खुद ही बना रहा है, जैसे फार्मर्स हो गए वो अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर अपनी क्लिनिक पे काम कर रहे हैं, तो अपने ही वो सारे रिसोर्सेस को यूज कर रहा है, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। तो अगर हम इनकम मेथड से क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम, तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मींस डोमेस्टिक इनकम, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। इसके थ्रू हमको एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल गया। क्वेश्चन में आया है कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो आप एनआई कैसे निकालोगे, नेशनल इनकम, और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में प्लस क्या कर दोगे, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सो दैट यू गेट द वैल्यू ऑफ एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। चलिए नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, जीडीपी एमपी निकलता है, हमारा जीडीपी एमपी निकलता है। इसमें आपको याद होगा एडी में हमने पढ़ा था सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। आपको ये भी याद आ रहा होगा कि मैंने बोला था एडी को और क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं, आपको याद आ रहा होगा, क्योंकि उसमें अगर कोई डिमांड करेगा तो वो क्या करता है, एक्सपेंडिचर करता है। तो इसमें क्या क्या फोर आइटम्स हो गए आपके, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जिसमें सी क्या था, हाउस होल्ड जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है, आई क्या है, जो भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फिर गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करती, प्लस एक्स माइनस एम मीन्स नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। यहाँ पे क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यही आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर कभी क्वेश्चन में आपका जीडीसीएफ नहीं दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है, उसकी जगह दिया है आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस चेंज इन स्टॉक करना पड़ेगा। चेंज इन स्टॉक अगर वैल्यू दी होगी डायरेक्टली, नहीं तो अगर दिया होगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, आप इसको कैलकुलेट करके तब आप फॉर्मूला लगाओगे
प्लस नेट एक्सपोर्ट, मतलब आपका क्या है, नेट एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। देखिए एक चीज यहाँ पे एक और समझने की चीज है, यहाँ पे एक चीज ये समझने की चीज है कि अगर आपके क्वेश्चन में दिया हो एनडीसीएफ, एनडीसीएफ ठीक है, अब आपको करना है, आपके पास इसके बाद दो ऑप्शन है। यहां पे आपसे पूछा था कैलकुलेट एनडीपी एमपी, समझिएगा एनडीपी एमपी निकालना है, और क्वेश्चन में आपका दिया है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके आपके पास दो ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, या तो आप इसमें प्लस डेप्रिसिएशन करके इसको जीडीसीएफ में क्या करिए करिए, फिर आप क्या इससे निकालेंगे जीडीपी एट एमपी निकालेंगे, नहीं तो सीधे आप यही लगा के क्वेश्चन में एनडीपी एमपी लगा दीजिए, क्योंकि हम लोग नेट है तो हम लोग डोमेस्टिक सॉरी हम लोग क्या करते हैं डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं, सो दैट वी गेट दी ग्रॉस। ग्रॉस हम लोग कब निकालते हैं, हम लोग नेट में प्लस करते हैं। अगर क्वेश्चन में आपके जी दिया है और यहां पे एन दिया है तब आपको क्या करना पड़ेगा, हमको ग्रॉस निकालना है, नेट दिया है तब आपको डेप्रिसिएशन यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। अगर एनडीपी है, एनडीपी है तो आप सीधे यही वैल्यू लगा दीजिए एनडीसीएफ, तब डेप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है क्योंकि एन एन यहाँ पे सेम, बट अगर जीड करना है तो आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन प्लस कर। कभी कभी क्वेश्चन में आपको कह देता है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने को, या आपके पास डेप्रिसिएशन ही नहीं दिया है और आपको दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो आपको पता है ग्रॉस क्या होता है, ग्रॉस इक्वल टू होता है ना नेट प्लस डेप्रिसिएशन। तो अगर ये दोनों वैल्यू दी हुई है, ग्रॉस माइनस आप नेट कर दोगे तो आपको क्या होगा, डेप्रिसिएशन की वैल्यू पता चल जाएगी। बस यही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको क्या है, आपने प्राइवेट फाइनल गवर्नमेंट दिया है। अब इसके क्या है, सब पार्ट्स होते हैं, वो आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, इसके जो जो सब पार्ट्स होते हैं उनको देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है या हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर किस पे, तो कभी कभी इसके सब पार्ट्स आ जाते हैं तो आपको उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। आपकी बुक में सारा है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो सारे कंसेप्ट आपको ले लेना है। मेन कंफ्यूजन इसमें ही होती है, क्योंकि अगर वो आपके ऊपर, अगर आपको उसको सिंपल करना है तो अगर ये एंड दिया है और जी निकालना है तो डेप्रिसिएशन प्लस कर दीजिए। इन केस आपको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, आपको दिया है एनडीसीएफ तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीधे फिर आपका क्या आ जाएगा, एनडीपी एमपी ही आ जाएगा, ठीक है ना, फिर एनडीपी एमपी आ जाएगा, फिर आप एनएनपीएफसी में इसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। इतना क्या है, आपका फॉर्मूला है। अब आप हम लोग कुछ ये हो गया, तीन मेथड हो गया, वैल्यू एडेड इनकम एज वेल एज एक्सपेंडिचर। अब हम क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगाते हैं जिसमें तीनों साथ में निकालना हो या इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड का वैल्यू निकालना हो। ओके, सो लेट्स डू अ सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू द नेशनल इनकम। सो द क्वेश्चन इज हियर, कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी बाई प्रोडक्शन मेथड। फर्स्ट क्या है आपका, प्रोडक्शन मेथड है, एंड द सेकेंड वन इज इनकम मेथड। ओके, सो द क्वेश्चन इज, फर्स्ट वन इज इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। तो इसमें दे रखा है रुपीज इन करोड़ में, ठीक है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, बी है सेकेंडरी सेक्टर, सी है टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। तीनों का अलग दिया, इंटरमीडिएट कंजप्शन बाय प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का है 500, सेकेंड है आपका 400, 300। नेक्स्ट है आपके पास इंफॉर्मेशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय प्राइमरी सेक्टर,
सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। तो ये कितनी दे रखी है 1000 बाय द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी से 900 और टर्शियरी सेक्टर से 700। नेक्स्ट वन इज रेंट, रेंट। फोर्थ वन इज इमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉइज, इमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ इज मिक्स्ड इनकम MI, सिक्स्थ इज ऑपरेटिंग सरप्लस, सेवेंथ इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA, एट इज इंटरेस्ट, नाइन्थ इज कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, दैट मीन्स कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या होता है, डेप्रिसिएशन। एंड द लास्ट वन इज 10 इज NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसकी वैल्यूज क्या क्या है, देखिए रेंट है आपका 10, इमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज इज 400, मिक्स्ड इनकम इज 650, ऑपरेटिंग सरप्लस इज 300, NFIA इज माइनस ट्वेंटी है, इंटरेस्ट इज 5, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल इज 40 एंड NIT इज 10, ठीक है। तो आपको यहां पे क्या कैलकुलेट करना है, ये तो 40 and 10, इंटरेस्ट इज 5, ठीक है। यहां समझ में आके ये सारी आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है एंड यू हैव टू कैलकुलेट GDP MP। GDP MP हमको कैलकुलेट करना है बाय द इनकम मेथड एंड द प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। इनकम मेथड और प्रोडक्शन मेथड से हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम करते हैं इसको, सबसे पहले हम किसे करेंगे, GDP MP बाई प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इसमें तो कोई दे नहीं रखा है, इसमें पहले आप देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया है और वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है। हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन में हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं GVO MP, बट GVO MP आपके पास ऑलरेडी दिया है, तो अब हम सीधे निकालेंगे क्या, GVA MP, और GVA MP और इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, GDP MP, ठीक है। दोनों ही सेम है, या तो अगर क्वेश्चन में आ गया है कैलकुलेट GVA MP, तो ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि व्हाट इज GVA MP, GVA MP इज द सेम एज द GDP MP, ठीक है। तो हम इसको इक्वल करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, GVO MP माइनस इंटरमीडिएट कंसप्शन, ठीक है, ये तो आपको पता है। अब GVO MP आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट किसका किसका दिया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर का, प्राइमरी सेकेंडरी प्लस टर्शियरी सेक्टर का माइनस इंटरमीडिएट कंसप्शन। अब इंटरमीडिएट कंसप्शन भी तीनों का दिया है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब इन तीनों को हम सम करेंगे, 500 प्लस 400 प्लस 300। अब देखिए किसी भी इकोनॉमी में तीन सेक्टर होते हैं ना, ये तो पता है आपको, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। अब इनका आउटपुट का प्रोडक्शन इतना हो रहा है और इंटरमीडिएट कंजप्शन इतना हो रहा है, तो अगर हमको पूरी कंट्री का निकालना है, टोटल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पूरा इंटरमीडिएट कंजप्शन ले लेंगे और वैल्यू ऑफ आउटपुट ले लेंगे। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट से अगर हम इंटरमीडिएट कंजप्शन, टोटल इंटरमीडिएट कंजप्शन जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी का सम होगा, उसको अगर हम माइनस कर देंगे, सो दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ GVA MP। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, प्राइमरी सेक्टर की क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज दिस 1000 प्लस 900 प्लस 700 माइनस
ये क्या है आपका 500, इसकी वैल्यू क्या हो गई 500 हो गया। अब इसको सम करेंगे तो क्या आएगा 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 माइनस 1200, तो आपका ये कितना आ गया 4 rupees 1400 crores आपका जीडीपी एट एमपी निकल गया। ठीक है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, एकदम जो बोलते हैं ना सिंपल सा था, कुछ था ही नहीं कि हमको इसमें कुछ ज्यादा कैलकुलेट करना था। आपके पास जीडीपी एमपी आपको निकालना था और आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट डैट मीन जीवीओ एमपी दिया हुआ था, बस हम उसमें से माइनस करेंगे सीधे आ जाएगा। ये हो गया आपका जीडीपी एमपी बाय द प्रोडक्शन मेथड। सेकंड है आपका जीडीपी एमपी बाय इनकम मेथड। ठीक है, इनकम मेथड से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये तो पता है ना। इनकम मेथड से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के लिए क्या क्या हम लेते हैं, सीओई कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्सड इनकम। अब क्वेश्चन में देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पे आपके दे रहा है इमोल्यूमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज, इमोल्यूमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज मीन सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज, तो सैलरी क्या आ जाएगा, किस में आएगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में। ठीक है, इसका फॉर्मूला सीओई प्लस ओएस प्लस मिक्सड इनकम, तो ये आपका इमोल्यूमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज किस में आ गया, कॉम्पनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय। फिर दे रहा है ऑपरेटिंग सरप्लस, क्वेश्चन में देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया हुआ है, रेंट भी दे रहा है और इंटरेस्ट भी दे रहा है। मैंने बताया है अगर डायरेक्टली आपके पास क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है तो आपको मतलब नहीं है कि रेंट दिया हो, चाहे इंटरेस्ट दिया हो, चाहे प्रॉफिट दिया हो, चाहे डिविडेंड दिया हो, अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं होगा फिर हम इन सारे को सम करके ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करेंगे। बट क्वेश्चन में ऑलरेडी आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है, बस इसकी वैल्यू रखिए क्या है, ये 3000। मिक्सड इनकम दिया है, हाँ दिया है 650, कितना आया सम करिए 3000, ये हो गया आपका 4, वेट अ मिनट, आपका ये क्या दे रहा है, ऑपरेटिंग सरप्लस इज 3000 दिया है, ऑपरेटिंग वैल्यू तो सम कर लो, देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस इज हियर 300, ठीक है, देखिए इसको 700 हो गया प्लस 650 आया, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आपका 1350 आ गया। ठीक है, ये आपका क्या था, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है 300, ठीक है, इतना आ गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, जीडीपी एमपी, तो जीडीपी एमपी के लिए क्या करेंगे हम लोग, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस निकालना है तो प्लस क्या करेंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन, एमपी है मतलब मार्केट प्राइस निकालना है, आपके पास फिक्स दिया है तो हम एनआईटी को प्लस करेंगे। ठीक है, तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना है आपके पास 1350, डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी दी है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड दी डेप्रिसिएशन, सो 40 और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 10, तो आपका आ गया जीडीपी एट एमपी इक्वल टू रुपीज 1400 करोड़। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका, जीडीपी एमपी किसके इक्वल है 1400 करोड़ से। तो दोनों आंसर देखिए हमने कैलकुलेट किया जीडीपी एमपी बाय द प्रोडक्शन मेथड एंड द इनकम मेथड, दोनों का आंसर क्या आया है आपका, सेम आया है। जीडीपी एमपी बाय द प्रोडक्शन मेथड आया आपका 1400 एंड द जीडीपी एमपी बाय द इनकम मेथड इज ऑल्सो द 1400। ओके, ओके, सो लाइक दैट वी कैन ऑल्सो सॉल्व दी सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ दी अदर्स, कि आपको सिंपल सा क्या है कि आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है, आपको बस उसमें से आइडेंटिफाई करना है। अब जैसे आपके पास इसी क्वेश्चन में इमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज है,
ठीक है। और ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, तो आपको ये नहीं लेना है, मैंने पहले भी बोल दिया ये नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ऑलरेडी ये सैलरी किस में आ रहा है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आ रहा है, तो हमें इसको नहीं लेना है। तो क्वेश्चन में अगर जो हम लोग पॉइंट्स ले रहे हैं, पॉइंट्स है और उसके सब पॉइंट्स है, तो हमें सब पॉइंट्स पे नहीं जाना है जब तक हमको हमने देखा कि हमारे पास पॉइंट्स दिया हुआ है, मतलब जो हम आइटम्स ले रहे हैं वो दिया है और उसके अंदर का भी दिया है, मतलब रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट। तो हमें अनटिल एंड अनलेस हम देखेंगे कि ये नहीं है तब तक हम उस पर नहीं जाएंगे। तो हमें क्वेश्चन में पहले समझना है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है और हम उससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को देखिए, समझिए, उसके बाद ही क्वेश्चन को हम सॉल्व